Hello, namaste, vanakkam, hola, marhaba, assalamu alaikum, this is your Nilesh. Welcome to my YouTube channel, Paddle It Up. So, today mere paas hai R15-V3. Ruko. Video ko yahin pe pause karo. Sports bike hai, thoda to swag se entry maarna hi padega na. तो अब इसे कहते हैं स्वैग से एंट्री मारना। तो ये जो बाइक है मेरे सीनियर है उसका है, तो मैं इसके साथ अभी इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सो ये है उस बाइक का ओनर। रुको, अगर मेरा एंट्री स्वैग से हुआ तो फिर ओनर का क्यों नहीं? कभी किने चले बाइक का मार्च सो एक महीना लगा था बुक करने के लिए। एक्चुअली वो फेब्रुअरी मंथ में लॉन्च हुआ था, तो फेब्रुअरी से ही बुकिंग लेना स्टार्ट कर दिया था, तो मार्च के महीने में देना स्टार्ट किया था, तो उस हिसाब से मुझे एक महीना लग गया था। तो अभी तक कितना किलोमीटर चला चुके हैं? अभी तक तो 100-150 किलोमीटर चला। 100-150 किलोमीटर ज़्यादा नहीं निकलता। एक्चुअली नया गाड़ी है, गाड़ी होने के लिए सब टेंशन होता है। हाँ, और ये स्पोर्ट्स बाइक है, ज़्यादा दूर के नहीं रहेगी। नहीं, एक्चुअली ज़्यादा दूर अगर तुम चलाओगे स्पोर्ट्स बाइक तो तुम्हारे कंधे में दर्द होगा। हाँ, क्योंकि बहुत झुक कर चलाना पड़ता है। दिस इज द वे अ राइडर विल लुक लाइक। सो ही विल हैव स्ट्रेस ऑन हिज हैंड्स एंड ऑन हिज शोल्डर, एंड देयर इज नो ग्रैब रेल ऑन दैट साइड ऑफ द बाइक, सो द पिलियन हैज टू पुट हिज वेट ऑन द राइडर, and the rider has to pull his weight on his hands when he is braking, so it puts a lot of weight on the rider, so it's natural that your palm and your shoulder will eventually pain a lot after the ride. So it's definitely not meant for long ride or touring. It's good for racing. If you want to take it to the tracks, you can take it to the tracks, because this bike is meant for that. Okay, so this is the exhaust note of the R15-V3. एक्चुअली इसलिए होता है, स्टाइल के लिए ना, मतलब स्टाइल के लिए होता है या फिर माइलेज के लिए होता है, क्योंकि माइलेज नियर अबाउट 45 किलोमीटर देता है। 45 किलोमीटर माइलेज? हाँ, सिटी में। वाओ, सो 45 किलोमीटर माइलेज है ना, इसीलिए माइलेज बहुत अच्छा देता है। अच्छा, एवर एट अ क्वेश्चन, टैंक फ्यूल कैपेसिटी कत? कैपेसिटी 12 लीटर। 12 लीटर। আপাতত একটা ফান ফ্যাক্ট, লাইক হি ইজ ফিউলড আপ হিজ বাইক অন দ্য ডে ওয়েন হি পারচেজ হিজ বাইক, অ্যান্ড স্টিল নাও ইটস রানিং উইথ দ্যাট ফিউল, অ্যান্ড হি হ্যাজন্ট ইভেন ফিউলড আপ টিল নাও, সো হি রাইড ইজ ভেরি ভেরি লো। तो अभी तक कितना प्रॉब्लम फेस किया इस बाइक को? प्रॉब्लम तो ज़्यादा कुछ फेस नहीं किया। एक्चुअली लॉन्ग टूर अगर जब मैं करता हूँ उस सब से तब थोड़ा कंधे में दर्द होता है। एक्चुअली ये जो पोजीशन है ना, वो शॉर्ट या हो या फिर लॉन्ग, सब दोनों के लिए प्रॉब्लम होता है। बाकी इसके पिलियन में आप बैठे हो क्या? हाँ, पिलियन में बाकी वो सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल है, जो राइड करते हैं उससे भी ज़्यादा कम्फर्टेबल है पिलियन। हाँ, क्योंकि एकदम कुछ भी नहीं है, एकदम आराम से जा सकते ऊपर। लेकिन इसका जो पहले वाला वर्जन था उसका हाइट सी मतलब पिलियन हाइट तो बहुत ज़्यादा था। हाँ, वो बहुत ज़्यादा था, तो उस तरफ से वो रिस्की भी था। अगर ज़्यादा जोर से ब्रेक मारते हो ना, वो बहुत ज़्यादा से सामने झुक जाता है। हाँ, R1 का जो वर्सन है, R1 का जो पीछे का वर्सन है ना स्टाइलिश, तो वो एकदम एग्जैक्ट इस तरह के है। मतलब ये V3 R1 का नज़र में रख कर बनाया गया। R1 और इसके इंस्ट्रूमेंट जो क्लस्टर्ड है वो बहुत मस्त है ना। हाँ, वो फुली लोडेड है और फुली डिजिटल है। इसका दो अभी तक दो कलर वेरिएंट निकला है। हाँ, एक रेड वाला और थंडर रेड, और ये वाला। इसमें से आपको ये ज़्यादा मतलब पसंद है? एक्चुअली इसके लिए कारण है, क्योंकि ब्लू वाला जो है वो ज़्यादा ग्लॉसी है, पूरा ही ग्लॉसी है। लेकिन जो रेड वाला है ना, वो रेड पोर्शन का ही सिर्फ ग्लॉसी है, बाकी जो है वो मैट फिनिशिंग है। हाँ, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक अच्छा नहीं रहेगा। दैट इज द थंडर रेड वर्जन ऑफ द R15-V3। ओके, सो दिस इज द थंडर रेड वर्जन, and see the difference. This part is glossy and this part is matte finish, so many people
not satisfied with the color scheme. Everything is same instead of the color, and there is nothing difference in this bike. This is not actually my bike. I don't even know the owner of the bike. So yeah, this is because this bike is running for more amount of time. So this radiator is working, and the noise of the radiator is not that much. So yeah, it's not that annoying. You can hear the radiator fan on that bike. I hope you can hear that. It's there on that side. Okay, so the speed of this bike is 160 kilometer per hour. And how much you have touched right till now? I don't have. Actually, मैंने उतना ज़्यादा नहीं किया क्योंकि fast service के पहले उतना ज़्यादा RPM में गाड़ी चलाने के लिए मना किया था. मतलब third service के बाद ये हाँ एकदम fully loaded हो जाएगा कि जितना ज़्यादा आप चाहते हो तो चला खींच सकते हो इस bike को. I'm telling him to subscribe to my channel, and he's also subscribing. What is your name? Orgodi. And you? Rakesh Kohle. So, two of my new subscriber. thank you. And this is the running DRLs of this bike. So these are the running DRLs of this bike. If you want to, on this bike, 6 LED lights on this bike, and the awesome part of this bike is the tail portion. The tail portion looks super amazing. See, so yeah, that's all about it. Sorry, I cannot give you the information about the bike status because I don't really know about that. But I'm going to provide you in a walk around video of this bike. Thank you. Bike tech at least dekhanor jonno amar channel e onek help hobe. So thank you for that. Welcome. Okay. So this is Somrat Pal and you? Rahula. Okay. Rahula. So yeah, his friend. So yeah, with that being said, I will end this video right now, and I hope to see you soon in my next vlog. Bye bye.